गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो टुडे वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आज जो है हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे 4.3 के। क्या कहता है बेटा, यूजिंग ऑल थ्री मेथड्स फाइंड एच सी एफ ऑफ 20, 25, 35 and 50। कहता है कि तीनों के तीनों मेथड यूज करके क्या फाइंड आउट करो, एच सी एफ फाइंड आउट करो गिवन नंबर्स के। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था बेटा, कॉमन फैक्टर था। क्या था हमारे पास, कॉमन फैक्टर मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले उसके सारे के सारे जो फैक्टर है वो क्या करने होते हैं, हमें फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे 20 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा और किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, और क्या आएगा लास्ट में, हमारा 20 आ जाएगा। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, एक वो अपने आप से भी डिवाइड होगा। तो 20 के क्या क्या फैक्टर आ गए हमारे पास, 1, 2, 4, 5, 10 and 20। ऐसे ही 25 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे बेटा, एक तो ये किससे होता है, 1 और 25 से होता है, और दूसरा किससे होता है, 5 into 5 होता है, तो सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास 35 किससे होता है, 1 into 35 हो जाएगा एक तो, और क्या होगा, 5 into 7 हो जाएगा, और किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा। फिर हमारे पास 50, 1 and 50, 2 and 25, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 and 10। और कोई नंबर है जो इसको डिवाइड करता हो कम्प्लीटली, और कोई भी नंबर हमारे पास है नहीं है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। ठीक है बेटा, तो अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर जो सभी में आया हो, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 10 यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों पे नहीं है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, इसलिए एच सी एफ हमारा क्या आ गया बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। अब सेकंड हमारे पास मेथड क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या था हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें क्या करना होता है, हमें प्राइम नंबर से इनको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे 20 को डिवाइड किया 2 से, 10 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 से किया तो 1 आ गया। 20 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 into 2 into 5। फिर हमारे पास क्या है, 25 है, ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 5 जा 25 5 1 जा 5, तो 25 को क्या लिखेंगे हम, 5 into 5, क्या लिखेंगे हम, 5 into 5, क्या लिखेंगे हम, 25 को 5 into 5। अब हमारे पास क्या है, 35 किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 7 जा 35 7 1 जा 7। फिर 50 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 1, रिमाइंडर 10 2 5 जा 10। अभी किससे होगा, 5 से होगा, 5 5 जा 25 5 1 जा 5, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 35 5 into 7 and 50 क्या आ गया हमारे पास, 2 into 5 into 5। अब हमने देखना ये क्या क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है,
यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास है 5, क्योंकि 2 ना तो इसमें है ना इसमें है 2, 7 सिर्फ इसमें है और किसी में भी नहीं है, और 2 बार 5 भी सिर्फ हमारे पास किस में है 2 में ही है, एक तो 25 में और एक 50 में, तो सभी में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास है 5 ही कॉमन आ रहा है बेटा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारे पास है 5 हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास है 5 हो गया। अब हमारे पास क्या आता है डिवीजन मेथड, अब क्या आता है हमारे पास डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में क्या करना होता है हमें सबसे छोटे नंबर, दो सबसे छोटे नंबर सिलेक्ट करने होते हैं, तो सबसे छोटे दो नंबर कौन से हैं 20 और 25, ठीक है बेटा। अब 20 और 25 में से सबसे छोटा कौन सा है 20 है, उसे हम किसको डिवाइड करेंगे 25 को डिवाइड करेंगे, 20 बन जा 20, रिमाइंडर 5, क्या रह गया रिमाइंडर 5। अब इस 5 से किसको डिवाइड करेंगे बेटा, जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर था, डिवाइजर कितना था हमारे पास 20 था, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या आया 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। तो अब हमें क्या करना है, जो जिससे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उससे बाकी के दो नंबर्स को भी डिवाइड करके देखना है, बाकी के दो नंबर हमारे पास क्या है 35, इसको 5 से डिवाइड किया 5 7 जा 35, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब 5 से हमें डिवाइड करना है किसको 50 को, 5 1 जा 5, 0 0, अब फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0 आ गया, तो क्या आ गया हमारा आंसर 5 आ गया, ठीक है। तो HCF हमारा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, HCF हमारा क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 306 एंड 450 एंड 540 कम्प्लीटली, ये क्वेश्चन भी बेटा ऐसा ही है, बस स्टेटमेंट चेंज कर दी है। अब उसने क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर जिससे हम क्या करें डिवाइड करें, तो मैंने आपको HCF का दूसरा नेम भी बताया था, वो क्या था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो उससे हमें ये क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है HCF ही फाइंड आउट करना है। अब जो नेक्स्ट है 6 और 7, दोनों ही एक जैसे हैं बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज नंबर रिमाइंडर 2 इन ईच केस, अगर दो क्या हो हमें रिमाइंडर क्या रखना है 2 रखना है, तो क्या करना है हमें पहले ही उन सब में से क्या कर देंगे 2 को माइनस कर देंगे। और 7th में क्या कहता है बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 55, 114, 129 लिविंग रिमाइंडर 5, 4 and 3 रिस्पेक्टिवली, जो भी हमें रिमाइंडर रखना है उनको क्या कर देंगे बेटा उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या है 95 में क्या रिमाइंडर रखना है हमें 5 रखना है, तो 5 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आया बेटा 90 आया। फिर 114 में से क्या माइनस करना है 4 करना है, क्योंकि रिमाइंडर हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, ठीक है, तो 4 क्या कर देंगे उसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या आया 110 आया, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या है 129, क्या है 129, इसमें से हमें क्या माइनस करना है बेटा 3, क्या माइनस करना है 3, क्या माइनस करना है 3, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए 3, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 129 से 3 माइनस करेंगे तो 126 क्या आ जाएगा हमारे पास 126, ठीक है बेटा। अब जो ये नंबर्स आए हैं, अब जो हमारे पास 6th क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे बेटा, 132 में से भी 2 माइनस करेंगे, 242 में से भी 2 माइनस करेंगे, 382 में से भी 2 माइनस करेंगे, फिर 130, 240 और 380 का क्या फाइंड आउट करेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है HCF ही फाइंड आउट करना है, जिसमें से 90 है हमारे पास, 110 है हमारे पास,
126 है। तो आप किसी भी एक मेथड से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे उससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इजी होता है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करते हैं 90 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10, फिर किस पे हो जाएगा 5 एंड 4 9 हो गए, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है, इसलिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से किया तो हमने 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15, तो क्या है हमारे पास 15 आया। फिर से 3 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 90 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या है 110 है, क्या है हमारे पास 110 है, 110 किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 15, 2 5 जा 10, अब फिर से किससे डिवाइड हो जाएगा, अब किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब किससे डिवाइड होगा किसी से नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा 11 से होगा। तो हमारे पास 110 क्या आ गया बेटा, 110 हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 11, क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है 126 को भी करना है, क्या करना है हमें 126 को भी करना है, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है ऐसे ही फैक्टराइज करना है, 2 से डिवाइड किया 2 6 जा 12, 2 3 जा, अब किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, अभी अब किससे हो जाएगा ये 3 से हो जाएगा, तो 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब फिर से 3 से हो जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो क्या है हमारे पास 126 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, हमने से भी के क्या कर लिए हैं बेटा प्राइम फैक्टर्स कर लिए, ठीक है। तो बेटा अब हमें देखना है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 2 है 3 है और 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और 5 है, तो दो में हमारे पास क्या हो गया 2 और 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, क्या रह गया सिर्फ 2 रह गया, तो कॉमन डिवाइजर क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर भी क्या होगा बेटा 2 ही होगा। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे थ्योरेटिकली देखें या प्रैक्टिकली देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा रॉन्ग है, इसकी जो स्टेटमेंट हो क्या है रॉन्ग है, क्योंकि जब भी हमारा 2 क्या हो, अगर हमारा डिवाइजर क्या है 2 है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे जो है जो हमारा जो आंसर है वो कभी भी 5 4 और 3 नहीं आएगा, वो कभी भी हमारा 5 4 एंड 3 नहीं आएगा, इसकी जो स्टेटमेंट है बेटा वो क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आपका आंसर यही आएगा, और यही मेथड भी है इसको सोल्व करने का, मेथड भी यही है, ठीक है बेटा। जैसे अब मैंने आपको बताया था 6th क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास कि 132 में से भी क्या माइनस कर देंगे 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा, और 242 में से भी 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, 380 में से भी 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 380 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है इन सभी का क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। अभी मैं आपको बता रहा था कि इसकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जब भी हम किसी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए बेटा छोटा होना चाहिए, जो रिमाइंडर हमारा वो किससे छोटा होना चाहिए था 2 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 2 से सारे के सारे नंबर क्या दे रखे हैं बड़े दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे देखें तो इसकी स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है, लेकिन ये
क्वेश्चन ऐसे ही होगा बेटा, आपको भी ऐसे ही आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है? ओके, तो इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको? एच सी एफ फाइंड आउट करना है। किसी भी मेथड से आप एच सी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। और जो क्या करेगा, लीव करेगा कितना, टू लीव करेगा, ठीक है, हर एक में, ठीक है, जब भी डिवाइड करेंगे तो। ओके, थैंक यू।